हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही चटपट बनने वाला शलजम का अचार, जो गर्मियों की सौगात है और सर्दियों में भी बहुत मज़ा देता है। तो हमने उसके लिए लिए हैं 1.25 किलो शलजम, और हमने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके हमने इसे ठंडा भी कर लिया है। तो ये किस स्टेज तक आपको गलाने हैं, बिल्कुल फुल डन नहीं करने हैं, थोड़ी सी कसर छोड़नी है आपने इसमें, क्योंकि ये पकने में भी अपना कुकिंग पीरियड जो है वो कम्प्लीट करेगा। तो आइए चलते हैं इसके मसाला जात आपको बताते हैं। उसमें हमें इसमें डालना है 2 टेबल स्पून सिर्फ लहसुन पिसा हुआ, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। अब इसके जो स्पाइसेस हैं वो हम आपको बताते हैं। 1 टेबल स्पून भर के है हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के है नमक, 2 टेबल स्पून जो है वो है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून है हमारे पास पिसी हुई फ्राई। तो ये हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं जो अब इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, हमने इसको बॉईल करते वक्त शलजम को 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक डाला था और वो सारा पानी ड्रेन कर दिया, लेकिन शलजम जो है हमारा नमकीन है, फीका नहीं है, और आपने भी फीका नहीं करना। अब इन तमाम मसालों को हम अपने अचार में शामिल करेंगे और इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए जी, इसको हमने बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया है। अब इसको हम एयर टाइट जार में अपने भरते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा जार है, इसमें हम तमाम शलजम डाल देंगे। बहुत अच्छे से इसको फिल करते हैं हम और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमने अपना जार जो है वो भर दिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए तमाम अचार हमारा आ गया है। इसको हम 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे, जब तक इसका पानी रिलीज हो जाएगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि उसका कितना पानी रिलीज हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और फिर इसको रख देंगे दोबारा 2-3 दिन के लिए। तो ये बहुत अच्छा और मज़ेदार चटपटा अचार तैयार होता है। इसकी कुछ चूंकि देखिए आप, कलर देखिए, जब इसमें पानी चला जाएगा तो सारे शलजम जो हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे। और ये देखिए जी, इसकी खूबसूरती, बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आया है। बहुत चटपटा अचार बनता है ये, आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने बनाया शलजम का अचार तो कैसा बना। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला अचार है, इसको आप 2-3 दिन में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ, जहरी में, अफ्तारी में, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हाजमा भी करता है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारी सारी वीडियोज़ जो बहुत अच्छी अच्छी हैं वो मिल सकें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कॉमेंट में हमें बताते हैं कि वो बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।